एमजी रोड कोची नाइट लाइफ। तो आज की इस वीडियो में आपको कोची सिटी की एमजी रोड की नाइट लाइफ दिखाऊंगा, या फिर ये कह सकते हैं अर्नाकुलम की नाइट लाइफ, क्योंकि ये जो एमजी रोड है बहुत ही फेमस है और यहाँ पर आपको सारे फेमस ब्रांड मिलेंगे। तो जब मैं अपनी केरला की यात्रा कर रहा था, तो केरला की यात्रा के दौरान मैं कोची सिटी गया और कोची सिटी में मुझे नाइट लाइफ देखने का एक्सपीरियंस हुआ। तो वो नाइट लाइफ कैसी थी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी केरला की ट्रिप कर रहे हो और केरला के अर्नाकुलम की कोची सिटी जा रहे हो, तो आपको एमजी रोड जरूर घूमना है। तो अब यहाँ पर क्या क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ अन्य सिटीज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अभी बारिश का माहौल है, फिलहाल जब मैं गया था तो बारिश का माहौल था, तो फिलहाल यहाँ पर लोग कम दिखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं मुफ्ती, गो कलर्स, अर्बन टच, और यहाँ पर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड के फेमस ब्रांड आपको इस रोड पर मिल जाएंगे। और आगे से लड़कियाँ भी आती हुई दिख रही हैं। जब मैं केरला नहीं गया था तो मैं सोचता था कि केरला में केवल काले लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। केरला की ब्यूटी लड़कियों की और केरला के नेचर की ब्यूटी भी बहुत ही ज़्यादा अलग है, जैसा कि आप लोग सोचते हो। तो केरला अगर आप आ रहे हो तो केरला की इस एमजी रोड में ज़रूर घूमना। और केरला की एमजी रोड की नाइट लाइफ, या फिर ये बोले नाइट आउट का समय थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इस एमजी रोड में आपको ट्रांसजेंडर घूमते हुए दिख जाएंगे। तो अगर रात में आप 11 बजे के बाद कोची की एमजी रोड में घूम रहे हो तो आपको ट्रांसजेंडर हर जगह मिल जाएंगे। तो बच के इस एरिया में घूमना अगर अकेले घूम रहे हो तो। वैसे तो आपके साथ कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर रात में 11 बजे के बाद अगर आप कुछ भी छेड़खानी करते हो और अकेले हो, तब समझ लो कि आप बिल्कुल लुट गए, ठीक है, आपके पैंट उतर जानी है। तो बिल्कुल भी बच के घूमना। इस रास्ते में US पोलो एसोसिएशन भी है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बालाएँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये है कोची की एमजी रोड। अभी और आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको इसकी नाइट लाइफ दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो कोची की इस एमजी रोड में शॉपिंग के लिए तो बहुत कुछ है और साथ में खाने के लिए भी बहुत कुछ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एमजी रोड का मेट्रो स्टेशन। तो अगर आप कोची में आ रहे हैं तो मेट्रो का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पर आप टिकट लेके डायरेक्ट यहाँ से फेमस लुलु मॉल एंड अन्य जगहों पर घूम सकते हो। तो एमजी रोड में फूड, एमजी रोड में शॉपिंग और एमजी रोड में ट्रांसजेंडर भी है। तो इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल भी मत भूलना रात के समय। और ये कोई लेटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, क्योंकि केरला में आपको बहुत सारी लिक्वर शॉप मिल जाएंगी, बिना लिक्वर के केरला तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे चलता हूँ मैं, थोड़ा एमजी रोड वाले मेट्रो स्टेशन के सामने आ गया हूँ। एमजी रोड इसलिए पड़ा है क्योंकि महात्मा गांधी रोड है, ऑल ओवर द इंडिया में आपको हर जगह मिल जाएगी। और महात्मा गांधी रोड का ये मेट्रो स्टेशन है, इसीलिए गांधी जी योग मुद्रा की आसन में बैठे हुए हैं। तो अभी चलते हैं और आगे और अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल रास्तों को दिखाता हूँ और ब्यूटी को दिखाता हूँ, केरला की ब्यूटी को जो कि आप देखना चाहते हैं। तो अभी और आगे चलेंगे हम लोग और इस साइड दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये क्या है, इम्पीरियल ट्रेड सेंटर। आपने हो सकता है कभी सुना ना हो, इसके अंदर क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बाद में बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है एमजी रोड में। अब ये देखो यहाँ पे एक लाइन से लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो इम्पीरियल जो है इम्पीरियल ट्रेड सेंटर के सामने इतनी ज़्यादा लड़कियाँ क्यों खड़ी हैं, क्यों भीड़ रहती है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये एरिया इतना
ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्यों है और हाई प्रोफाइल लड़कियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं। और आगे चलता हूँ और आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल ये है एम जी रोड कोच्चि सिटी की और आप देख रहे हैं कोच्चि सिटी की नाइट लाइफ या फिर ये कहें अर्नाकुलम की नाइट लाइफ। अभी यहाँ पे बारिश का माहौल था जब मैं घूम रहा हूँ और बाहर बारिश होने लगी इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर आ गया। लेकिन ये कौन सा किचन है, थाल किचन नाम है। अगर एमजी रोड में आप फूड का इंजॉय करना चाहते हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन फूड का, तो इस थाल किचन में एक बार ज़रूर विजिट करना। बहुत ही डिलीशियस फूड बनाता है और डिलीशियस फूड का आनंद आप ले सकते हैं, प्राइस भी रिजनेबल है। तो इसलिए एमजी रोड की इस थाल किचन में ज़रूर घूमना। अगर कोच्चि का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।